एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृहमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे, जनता की सेवा। जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उसके दो महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है, इतनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को चुना करना। देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अरे भाई, अभी अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, आप देख रहे हो, कर लेंगे, आपने बहुत सवाल चलिए। बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बात करते हुए जो कुछ पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने किया है, काम जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसको वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौती से निपटने के लिए सबका सहयोग लेकर आगे चुनाव में जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठक के ठीक बाद जब मीडिया से उन्होंने बात की, उत्साह कार्यकर्ताओं में लगातार नजर आ रहा था, और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया अपनी बातचीत में कई बार, कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे, और जो पूर्ववर्ती नेताओं ने काम को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से काम को आगे बढ़ाया, उसे वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।